नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एंटीबॉडी की पहचान के लिए करवाया जा रहा है सीरो सर्वे। सिरसा जिले में 12 टीमों द्वारा किया जा रहा है ये सर्वे। सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने पूरी जानकारी दी। पीजीआई चंडीगढ़ के निर्देशानुसार प्रदेश में करवाया जा रहा है सीरो सर्वे। इससे पहले सर्वे में 3% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों में एंटीबॉडी की पहचान के लिए कल से पूरे प्रदेश में सीरो सर्वे का दूसरा राउंड शुरू किया जाएगा। इस कड़ी में सिरसा जिले में सीरो सर्वे के लिए कुल 12 टीमों का गठन किया गया है। इनमें से 8 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में व 4 टीमें शहरी क्षेत्र में सैंपल लेंगी। सर्वे के 2 दिनों के अंदर कुल 720 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिनमें से पहले दिन सोमवार को 446 सैंपल लिए जा चुके हैं और बाकी के सैंपल आज लिए जा रहे हैं। सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोरोना से लड़ने वाले आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि पहले राउंड में सर्वे में सिरसा जिले में 3% संख्या में एंटीबॉडीज पाई गई थी। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। जिसमें हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 12 टीमें लगाई हुई है, जो कि 4 टीमें शहरी क्षेत्र में और 8 टीमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और कुल मिलाकर हमने 720 सैंपल 2 दिन में लेने थे, तो कल हमारे 446 सैंपल हो चुके हैं और आज भी हमारा ये सैंपलिंग जारी है। आगे इनके 2 दिन के जो रिजल्ट हैं, जो भी आएंगे, तो ये पीजीआई चंडीगढ़ उनके सुपरविजन हो रहा है मार्गदर्शन में, तो वहाँ सारे डाटा वहाँ रिपोर्टें भेजी जाएंगी। उसके बाद हमें पता लगेगा कि आम जनता पब्लिक में कितने लोगों को जो IgG एंटीबॉडी बन चुकी है, यानी कितने मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और जिनको पता नहीं लगा। नहीं, ये तो सिर्फ एक सीरो सर्वे की पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे, जिससे ये पता लगे कितने परसेंट आबादी है जो इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर हम अधिक से अधिक सैंपलिंग बढ़ाएंगे, इसके लिए हमने पिछले सप्ताह से टीमें हमारे पास 21 टीम 30 टीमें कर दी है और लोगों को जागरूक करेंगे कि खुद ही सैंपलिंग कराएं। इन लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि त्यौहार का सीजन है, उसके बाद अधिक से अधिक लोग जिस शहरों में भी बाजार में मंडी में जा रहे हैं, तो मेरी अपील है कि 2 गज की दूरी, एक पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर पहने और दूसरा साबुन से बार बार हाथ धोते हैं, ताकि इसके संक्रमण से बचा जा सके और इसके मतलब ज़्यादा फैलाव को रोका जा सके। ठीक होने की दर हमारी करीब महीना पहले 74% थी, जो कि बढ़कर 90% हो गई। इसमें सीरो सर्वे में एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि कितना ये कोरोना फैल चुका है। एंटीबॉडी वो होती है कि लड़ने की क्षमता कितनी है अपने शरीर में कोरोना के खिलाफ। तो हमें इस चीज़ का इसके सर्वे किया जा रहा है कि कितना फैल चुका है, कितना आगे कम्युनिटी स्प्रेड है, हमें कितना वो टेस्टिंग की जरूरत है, आगे कैसे और क्या करना चाहिए उसके लिए, अभी बेहतर अभी क्या स्टेप होना चाहिए अपने कोरोना के लिए, उसके लिए हम शुरू शुरू किया जा रहे हैं। इससे हमने भी 4 टीमें काम कर रही है और गांव में अलग अलग है, हर PHC और CHC के अंदर में अलग अलग टीमें हैं जी।